अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फेस एंड हैंड फीट मास्क। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे छोटा सा बाउल, उसमें लेंगे बेसन 2 स्पून्स और उसमें डालेंगे दही 2 स्पून्स एंड और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करती है। और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा 1 टेबल स्पून और एलोवेरा जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है, हमारी स्किन को नीट करता है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा रोज़ वाटर, बिकॉज रोज़ वाटर जो है वो हमारी स्किन को नीट रखता है, फ्रेश रखता है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी एवियन। एवियन के कैप्सूल्स होते हैं, बेसिकली रेड से कलर के होते हैं, जो आप ईज़िली आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे। इसमें आपने 2 स्पून्स जो हैं वो कैप्सूल्स डालने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे लेमन। लेमन जो है वो हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जिससे हमारी स्किन नीट एंड क्लीन होगी, जिससे हमारी जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी। और उसको अच्छे से हम स्क्वीज कर लेंगे और एक मिक्सचर सा बना लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपके फेस को बहुत या आपके हैंड फीट को बहुत ज़्यादा दूध जैसे गोरा कर देगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके हैंड एंड फीट को नीट एंड क्लीन ज़रूर कर देगा, डर्ट फ्री ज़रूर कर देगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ये इतना स्मूथ होना चाहिए, नॉट सो लिक्विडी एंड नॉट सो हार्ड। इतनी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए जो ईजिली आपके हैंड एंड फीट अप्लाई हो जाए और ड्राई हो जाए। अब बारी आती है हैंड एंड फीट पे अप्लाई करने की। सो मैंने ये अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया और ये मैं अपने पाँव पे अप्लाई करी थी। ओवरऑल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सो मैंने एक हाथ पे अभी नहीं लगाया था, बिकॉज़ क्योंकि मैं एक हाथ से अप्लाई करी थी। सो ये हैंड्स एक हाथ पे और दोनों पाँव पे अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं दूसरे हाथ पर अप्लाई करूँगी। ये लें जी, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। सो ये मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई किया था। सो इससे एक बहुत अच्छी शाइन आपके फेस पे और ग्लो सा आ जाता है और आपका फेस नीट एंड क्लीन लगता है जी। ये हाथों और पाँव का भी रिज़ल्ट है। सो आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।